सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज जस्ट और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जय जस्ता। तो आज का जो व्लॉग है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा रहने वाला, और काफ़ी टाइम के बाद ना मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आज, लगभग जो है एक महीने के बाद, क्योंकि भाई इतना मतलब बुरे हाल हो रखे ना बाहर। मैं सोचा था इस महीने लगभग 10-12 जो व्लॉग्स मैं जो अपलोड करूँगा बनाऊँगा, बट इतनी ज़्यादा तो भाई हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से मैं कहीं घूमने जा नहीं पाया। तो मैं सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा यूनिक किया जाए अपनी दुकान पर रह के या अपने घरों में रह के। तो आज ना मैं फर्स्ट टाइम जो फूड व्लॉगिंग करने वाला, आपने बहुत अलग अलग तरह के फूड व्लॉगर की वीडियोस देखी होगी, उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं वो, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ शायद आज से पहले आपने कभी खाई नहीं होगी, या फिर जो हिमाचल में रहते, वैसे जो शिमला और ठियोग में रहते हैं उनको तो पता है इस चीज़ का, बाकी इसके बाहर मुझे जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं मुझे बताना है वो चीज़ आपने कहीं पर देखी है, आपने खाई इससे पहले या नहीं। तो उस चीज़ का जो नाम रहने वाला है वो है आज चाइनीज़ पराठा। तो मैं आपको चाइनीज़ पराठा दिखाने वाला हूँ। आप सोचोगे भाई चाइनीज़ पराठा क्या यूनिक, क्या चीज़ है उसमें, क्या खास होगा, ये पराठा किस तरह का मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको, पहले आप देख लो। तो सबसे पहले मैं मिलवा लेता हूँ आपको पंकू से, पंकू भी है मेरे साथ। तो इसको एक्चुअली सुबह सुबह ना शिमला जाना था, तो कल तो मैं बोला नहीं इसको, मैं आ गया था कल ऐसे ही, आज ये मेरे साथ आई है भी ठोक तक, तो इसने थोड़ी देर में जाना, तो उससे पहले हम जो लंच करते हैं उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगा ऊपर बस में, ये चली जाएगी शिमला तक। अभी दिखाता हूँ आपको जो है चाइनीज़ पराठा, जो चाइनीज़ पराठा दिखाते हैं कि किस तरह से होता है। तो ये देख पा रहे हो यार आप कितना खूबसूरत जो है देखने में लग रहा है, ऊपर से तो बड़ा भाई सॉसेज का ही भरा हुआ है, मेयोनीज डाली इन्होंने ऊपर से, केचप वगैरह डाली, पता नहीं और कौन कौन सी सॉसेज इसमें। और अगर आप देखोगे ना पिज़्ज़ा स्लाइसिस की तरह इसको जो है कट करके जो दिया जाता है, देखो ये इस तरह से जो इसको जो है पिज़्ज़ा स्लाइसिस की तरह जो कट करके दिया जाता है, इसके अंदर जो है वेजिटेबल वगैरह रहती है, दिखाना तो एक बार। तो अगर आप देखोगे ना इसके अंदर ना स्टफिंग में खोलने इसको, तो आप देख पा रहे इसमें ये देखोगे इसमें ना वेजिटेबल वगैरह रहती है, जो जहाँ तक मेरे को देखिए इसमें कैबेज है, कैरेट्स है, और इसमें प्याज भी है, बाकी पता नहीं क्या क्या चीज़ की स्टफिंग रहती है इसके अंदर। और बाकी अभी जो है देखते इसको जो है टेस्ट करके जो कैसा रहता है ये, क्योंकि वैसे मैंने तो एक्चुअली वैसे पहले भी खाया है एक बार, और मेरे को जो है इसी ने भाई खिलाया था फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ठियोग में, तो मुझे लगा था क्या चीज़ है चाइनीज़ पराठा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से रहना है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं जो भी आज खा रहा हूँ। सो गाइज अभी हम जो है टेस्टिंग करते हैं चाइनीज़ पराठा की, जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसके अंदर जो है स्टफिंग है, और ये ना थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है क्योंकि इसको फ्राई किया जाता है पहले, और इसके अंदर ये वेजिटेबल वगैरह भर के उसके बाद इसको जो पूरा फ्राई किया जाता है, और ऊपर से ये सॉसेज वगैरह इसके अंदर जो है वो डाली जाती है, और उसके बाद जो है ये पूरा प्रिपेयर होकर ऊपर से सॉस डाल के उसके बाद जो सर्व किया जाता है। तो अभी देखते हैं जो किस तरह का रहने वाला है टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर जो है इस तरह से दो लेयर है, और इसके अंदर जो है स्टफिंग हो रखी है, बाकी एक बार टेस्ट करते हैं किस तरह का टेस्ट रहने वाला है। इसका जो बेस है क्योंकि फ्राई किया तो इसकी वजह से जो क्रिस्पीपन है वो अच्छा टेस्ट दे रहा है, बाकी इसमें रेड सॉस भी डाली हुई है, मेयोनीज भी है, केचप भी है ऊपर से, तीनों का मिक्सचर, और जो वेजिटेबल है वेजिटेबल सेम वैसे उस वेजिटेबल में आपको सेम वही टेस्ट आएगा जो आपको मोमोज में आता है। तो मतलब अच्छी चीज़ है पेट भरने के लिए, खाने के लिए, अगर आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है तो ये चाइनीज़ पराठा इसके लिए आपको कहाँ आना है, ठियोग में मिलता है आपको ये, स्पाइसी स्ट्रीट में और फ्रेंड्स कॉर्नर में मिल जाता है, और शिमला में ये आपको जो चाइनीज़ पराठा मिल जाता है। और मुझे बताना है ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो, आपके वहाँ पे ये चाइनीज़ पराठा मिलता है या नहीं मिलता, तो आप इस वीडियो में मुझे बताना। आई होप कि आपको जो आज का जो ब्लॉग है, आज की छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।